है गाइस, नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा है पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज वाइट स्पेस। ओके, द मेथड डिटरमाइंस वेदर द स्पेसिफाइड कैरेक्टर वैल्यू इज अ वाइट स्पेस विच इंक्लूड्स स्पेस टैब और न्यू लाइन, इट रिटर्न्स बूलियन वैल्यू। ठीक है, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू कि जो भी वैल्यू दिया गया है, इसके बीच में जो भी वैल्यू दिया गया है वह वाइट स्पेस है, न्यू लाइन है, टैब है, स्पेस है, कोई अगर ये सारी चीज़ के वाइट स्पेस रहता है, स्पेस सॉरी वाइट स्पेस रहता है, टैब रहता है, न्यू लाइन रहता है, तो आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू। और कोई अगर आपने जैसे कि लेटर लिख दिया हुआ है, डिजिट लिख दिया हुआ, तो वह तो वाइट स्पेस है नहीं, वाइट स्पेस अकाउंट में नहीं आएगा, उसकी कैटेगरी में नहीं, तो उसके लिए आपको रिटर्न वैल्यू मिलेगा फॉल्स। चलिए इसको चेक करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, सो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए में ए एक लेटर है, बी में बी एक सेवन एक डिजिट है। ठीक है, ए बी मैंने यहाँ लिखा हुआ है और मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि क्या ए में जो स्टोर है, ए में जो भी असाइन किया गया है, क्या वह एक वाइट स्पेस है, या फिर बी में जो असाइन किया गया है क्या वह एक वाइट स्पेस है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू दे सकते हैं, ज़ीरो क्या एक वाइट स्पेस है, न्यू लाइन क्या एक वाइट स्पेस है, टैब क्या एक वाइट स्पेस है, और यहाँ तो वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, तो क्या ये वाइट स्पेस है। और इन सभी के बदले, हर एक के बदले आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न मिलेगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। जो भी वाइट स्पेस के काउंट में आएगा, जो भी वाइट स्पेस की कैटेगरी में आएगा, उसके लिए आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा, और जो नहीं आएगा उसके लिए आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। इसको जब रन करते हैं तो यहाँ आपको फर्स्ट के लिए फॉल्स मिलता है, बिकॉज ए में क्या है, एक लेटर है, ये वाइट स्पेस के लिए नहीं है। फिर बी के लिए भी फॉल्स आता है, बिकॉज ये एक डिजिट है, इसके लिए भी आपको फॉल्स आ रहा है, बिकॉज ये एक जीरो है। यहाँ न्यू लाइन के लिए आपको ट्रू मिल रहा है, ये वाइट स्पेस की कैटेगरी में आता है, और टैब के लिए भी आपको ट्रू मिल रहा है, तो ये भी वाइट स्पेस की कैटेगरी में आता है, और वाइट स्पेस ये तो वाइट स्पेस दिख ही रहा है, तो ये तो आएगा ही, इसके लिए आपको ट्रू मिला, यानी कि तीन के लिए आपको ट्रू मिल रहा है, वाइट स्पेस, टैब और न्यू लाइन के लिए। बाकी के लिए अगर आपने कुछ इनपुट किया हुआ है, जैसे कि ए बी सी या फिर 0 5 6 7, तो वो सारे वाइट स्पेस में नहीं आते हैं, ऑब्वियसली वो सारे वाइट स्पेस में नहीं आएंगे। ओके, उसके लिए आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगा। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।